नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 में। इस वक्त की तमाम खबरों के साथ मैं हूँ आसिया। कल फैसले का दिन है, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के नतीजों का दिन। कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा। नतीजों के बाद कुछ लोग हंसेंगे तो कुछ मायूस हो जाएंगे, लेकिन इन सबसे पहले आज की रात बड़ी कातिल रहने वाली है। शाम बड़ी बोझल है, आज की रात बड़ी कातिल है। आज की शाम बड़ी बोझल है, आज की रात बड़ी। जी हाँ, आज की रात बड़ी भारी होने वाली है। घड़ी की हर टिक टिक के साथ दिल की धक धक भी बढ़ रही है। 20 दिसंबर को झारखंड में लोकतंत्र का महापर्व संपन्न हुआ, पर इसकी पूर्णाहुति 23 दिसंबर को होगी। 5 चरण में हुए झारखंड चुनाव में कुल 1187 उम्मीदवार अपनी किस्मत ईवीएम में कैद करवा चुके हैं। पहले चरण में 189, दूसरे में 231, तीसरे में 309 और चौथे चरण में 221 और अंतिम चरण में 237 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है। इनमें मुख्यमंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री, अभी की सरकार के तमाम मंत्री, पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, पुराने राजनीतिक दिग्गज, यंग ब्रिगेड, घर का काम काज संभालने वाली महिलाएं, बड़े बड़े संस्थानों से शिक्षा लेकर आए युवा, शिक्षक, डॉक्टर, वकील, पूर्व अधिकारी, व्यापारी, किसान, मजदूर, यहाँ तक कि पूर्व नक्सली भी हैं। सबके लिए आज की रात बहुत मुश्किल है। शायद नींद भी ना आए, शायद आंखें बस छत को टुकुर टुकुर देखते रहें और रात गुजर जाए। हर पल लगे जैसे एक घंटे के जैसा। कोई बैडमिंटन खेलकर अपनी टेंशन खत्म कर रहा है तो कोई कार्यकर्ताओं के साथ है। सर्दी बढ़ी हुई है, पर प्रत्याशियों के लिए इस बार कंबल भी गर्मी नहीं दे पा रहा। सर्दी का असर कल के बाद नजर आएगा, क्योंकि सियासी तपिश इस सर्दी को फीका कर दे रही है। किसी को सत्ता मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी। कोई हंसेगा, कोई मुस्कुरा भर देगा, पर लोकतंत्र अपनी मजबूती देख ठहाका लगाएगा हमेशा की तरह फिर से। पर कमबख्त पहले ये रात तो गुजरे, ये रात बहुत कातिल। आज की शाम बड़ी बोझल है, आज की रात बड़ी कातिल है। आज की शाम बड़ी बोझल है। तो आज की रात वाकई कातिल और बोझिल है, क्योंकि कल 81 सीटों पर सुबह 8 बजे से मतों की गिनती होगी और इसे लेकर सभी जिलों में तैयारियां भी पूरी की जा चुकी हैं। 6 जिलों की तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। रांची, जमशेदपुर, कोडरमा, खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा, बोकारो और चतरा समेत तमाम जगहों में काउंटिंग को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। सूबे में 5 फेजों में हुए चुनाव में कुल 1187 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और कल ईवीएम का पिटारा खुलते ही उनके राजनीतिक भविष्य का फैसला आने लगेगा।